नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं केवल भारत टीवी समाचार। चलिए जानते हैं आज की खबरों को। आज दिनांक 14 मई 2023 को पीरपैंती थाना के द्वारा ग्राम पंचायत परसवन्ना के मध्य विद्यालय में ग्रामीणों का शिविर लगाकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे। पीरपैंती थाना की महिला थाना प्रभारी सुश्री सुप्रिया कुमारी ने विभागीय आदेशानुसार बताया कि गांव घर में छोटी मोटी घटनाएं व समस्याएं होती रहती है। उस समस्या का समाधान के लिए पंचायत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, ताकि गांव घर में होने वाली समस्याएं प्रभारी व ग्रामीण के द्वारा बैठक कर जनता की परेशानी को दूर किया जा सके। मौके पर उपस्थित पूर्व प्रखंड प्रमुख श्रीमती किरण देवी ने महिला थाना प्रभारी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। समाज सेवी श्री बालेश्वर रजक ने कहा कि समाज में अशांति फैलाने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मदर्स डे के मौके पर गाँव की कई महिला सहित नरेश यादव, राकेश सिंह, अमित राज आदि लोग उपस्थित थे। क्या है पूरी खबर, आइए डालते हैं। इसके अंतर्गत मुझे काम ये करना है, जो आप लोगों को कुछ भी समस्या होगी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, हम लोग आपस में एक दूसरे का मोबाइल नंबर शेयर करेंगे। कुछ भी दिक्कत होगा तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप मुझे याद कीजिए। 24 आवर हम आपके सेवा में हमेशा तत्पर। चाहेंगे पहले हम लोग वार्तालाप के थ्रू आपस में बैठ करके ही सॉल्व हो जाए, नहीं होगा तो फिर आगे का जो कानूनन जो प्रक्रिया होगी वो आगे। लेकिन हम चाहेंगे तो पहले आप लोग थाना भी जाए तो मेरे माध्यम से ही जाए। कुछ दिक्कत हो तो आप बताइए, हम उसको 100% अपना दे करके चाहेंगे तो वो सॉल्व हो जाए। चाहे छोटा बात हो बड़ी बात हो, जो भी हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। खास करके औरत तो एक ही आई हैं, लेकिन हम महिला का प्रतिनिधित्व करते आए हैं और यहाँ ये सब चीज थोड़ा सा पिछड़ा हुआ मामला लग रहा है। ये अभी जो आप लोगों का जो एरिया है वहाँ देख रहे हैं जो महिला वर्ग थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। अगर किन्हीं को कोई दिक्कत है आप लोग घर में जाकर के बोलिए। अब एक महिला हेल्प डेस्क खुल गया है जहाँ ये नहीं है जो आपको केस ही करना है। आप अपने आइए आइए बैठिए, आप लोग पूरा लोग बोला दिक्कत है तो आप आइए बैठिए, मुझसे बात कीजिए, अपना दिक्कत रखिए। हम उसको बात से ही चाहेंगे वो पहले खत्म हो जाए, नहीं खत्म होगी फिर कानून क्या। किन्हीं को कोई दिक्कत है अभी?